हमारी मांगे पूरी हो। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, सीपीएस जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, भाजपा सरकार मुर्दाबाद, ऑपरेटर पक्के करो, पक्के करो, पक्के करो, सम्मान वेतन लागू करो, लागू करो, हमारी मांगे वेतन करो, हमारी मांगे पूरी 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 करो, हरियाणा सरकार तो एक है, आवाज तो एक है, आवाज तो एक। मैं संदीप कौशिक DITS के तहत प्रोग्रामर की पोस्ट पर कार्यरत हूं। हमारी जो स्टेट लेवल की जो कमेटी है उसके बैनर के तले हमारी 17 जिलों में 9 दिन से हड़ताल चली हुई है। रोहतक ज़िले ने आज जो है अपनी हड़ताल शुरू की है। हमारी जो मांगे हैं वो DITS का केंद्रीयकरण, स्टेट लेवल पे एक जो है कमेटी बना के इसका गठन किया जाए, उसका केंद्रीयकरण किया जाए, सरकार के थ्रू बजट का प्रावधान किया जाए DITS के लिए। हमारे जितने भी लगभग 2800 के आसपास पूरी स्टेट में कर्मचारी कार्यरत हैं DITS के तहत, हम ये चाहते हैं कि उनको पक्का किया जाए। जब तक पक्का करने की पॉलिसी नहीं आती तब तक 58 साल के लिए जॉब की सिक्योरिटी दी जाए, समान काम समान वेतन लागू किया जाए, एक्स ग्रेशिया का प्रावधान किया जाए, किसी कर्मचारी के साथ अगर कोई दुर्घटना हो जाती है नौकरी में रहते हुए तो उसकी जगह पे उसके बच्चे को परिवार में से किसी सदस्य को नौकरी दी जाए। तो आज से हमने ये हड़ताल स्टार्ट की है, अनिश्चित काल के लिए ये हड़ताल चलेगी। जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती तब तक धरना जारी रहेगा। देखिए, सबसे पहले तो जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं है। वेतन जो है कंप्यूटर ऑपरेटर का वो एक, अगर आप मान के चलो तो जो मजदूर एक कमाई करता है उसके बराबर ही कंप्यूटर ऑपरेटर को तनख्वाह दी जा रही है आज के टाइम पे, जबकि काफ़ी संवेदनशील काम इनके जिम्मे लगाया जाता है। आपके लैंड रिकॉर्ड की सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज, सरल के थ्रू लगभग 256 स्कीमें ऐसी हैं जो स्टेट में चल रही हैं ऑनलाइन। इन सभी स्कीमों के ऊपर हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर काम करते हैं। सरकार के कामों में पूर्ण रूप से भागीदारी हमारी होती है, लेकिन किसी तरह का अच्छा बेनिफिट हमें नहीं दिया जाता, चाहे वो सैलरी के नाम पे हो चाहे दूसरी तरह के कोई भी लाभ हैं वो हमें नहीं दिए जाते। तो अभी सरकार से आपकी मांग है तो हड़ताल अब तक कब तक चलेगी आपकी? हड़ताल अनिश्चित काल के लिए चली हुई है, जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती तब तक हम हड़ताल को जारी रखेंगे। चुनाव भी नज़दीक है, चुनाव इस प्रकार से देखिए, ये चुनाव जो है वो सरकार को देखना है। सरकार अगर हमारी मांगों को मानती है तो उनके लिए अच्छा मैसेज जाएगा, वोट बैंक सरकार को चाहिए। अगर हमारी मांगे पूरी होती हैं तो सरकार के ही बेनिफिट में। मेरा नाम मनीष है, कंप्यूटर ऑपरेटर संघ के हम अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, और हमारी आज मांगे हैं जी, और हमारे जो कर्मचारी हैं 15-20 सालों से लगे हुए हैं, 10 साल हो गए, किसी को 10-15 साल हो गए, वो आज तक उनको कोई भी बेनिफिट नहीं मिला, ना पक्के हुए हुए ना 58 साल तक उनको रोज़गार की सुरक्षा मिली है, और ना ही सैलरी लगातार बढ़ रही है। और कोरोना काल में भी हमने देखा कि दो तीन महीनों के लिए हमारी तनख्वाह रोक दी गई थी, उसके बाद वो तनख्वाह आई, जब पैसा की ज़रूरत होती है उस टाइम नहीं आती तनख्वाह, समय पर नहीं पहुँचती, तो ये हमारी बहुत ही गहरी समस्याएँ हैं। और हम चाहते हैं कि DITS जो जितने ज़िले हैं, हर एक ज़िले में DITS सोसाइटी है वो अलग अलग है सभी की, उसमें अलग अलग चेयरमैन होता है, वो DC साहब ही होते हैं उस हर डिस्ट्रिक्ट के, तो हम उसका केंद्रीयकरण चाहते हैं कि उसका केंद्रीयकरण हो जाए, और जो हमारा पैसा जो हमारी सैलरी आती है वो सर्विस टैक्स से उससे आती है, तो जो हमारी सर्विस चार्जेज होते हैं उससे हमारी सैलरी आती है, तो हम चाहते हैं कि वो सर्विस चार्ज हमारा एक उसमें चले जाए और उस वहाँ से सभी की सैलरी आए, केंद्रीयकरण चाहते हैं उसका DITS का, और 58 साल तक हमारी हमारे रोज़गार को सुरक्षा दी जाए और हम पक्के किए जाए जब तक रेगुलर पॉलिसी ना आती। सर मेरा नाम आशा भारती है और मैं तहसील ऑफिस में ऑपरेटर की जॉब करती हूँ। हमारी सबसे पहली मांग तो ये है कि हमें नियमित किया जाए, क्योंकि हमारी किसी भी तरह की इस जॉब में किसी भी तरह की श्योरिटी नहीं है। कोई भी अधिकारी आए और वो बोल देता है कि अगर आपको कल से नहीं आना तो हम नहीं जा सकते। सबसे पहले तो हमें श्योरिटी दी जाए, हमें नियमित किया जाए।
दूसरा हमारा ये है कि बाई चांस अगर कभी भी किसी के साथ भी किसी भी एम्प्लॉय के साथ जैसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है भाई, किसी कोई एक्सपायर हो जाता है, तो उसके लिए भी हमें कोई भी जैसे ना तो DITS के थ्रू कोई सुविधा मिल रही है, और जैसे अब कुछ कर्मचारी HKRLN में कर दिए हैं हमने, तो सबसे पहले वो भी हमारे वापस DITS में किए जाएं सारे के सारे। नहीं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसका तो कुछ है ही नहीं सर। हमारा जो हम कैश देते हैं वही हमारा आज के जो हमारी नगर निगम वाले हैं उसी को दोबारा जो भी उनका मतलब बनता है परसेंटेज या वो काट के वापस हमें ही सैलरी उसी जो हम दे रहे हैं ना कैश उसी को वापस हमें दे देते हैं। तो एक हमें सबसे पहले तो नियमित किया जाए, दूसरा हमारा या तो 58 साल की जैसे शोर्टी दे कि हमें कोई ना निकाल ले, और दूसरा जैसे हमारा कोई भी एम्प्लॉय कह देता है, एक तो हमारा आत्मसम्मान मतलब बिल्कुल ही कम हो गया है ना, तो हमें किसी भी तरह की पॉलिसी मिली हुई है, अगर हम हड़ताल भी कर रहे हैं तो हमें फिर भी डर रहता है कि कभी कोई अधिकारी है ना कह दे कि कल से जॉब मत आना। तो काफ़ी सारे एम्प्लॉय अभी भी ऐसे हैं जो डर रहे हैं इस चीज़ को देख के कि कभी हमारी जॉब ना चली जाए। तो सबसे पहले हमारी जॉब सिक्योरिटी हमें पक्का कीजिए, और एक समान काम समान वेतन हमारी सैलरी मतलब ये लगा लो अगर हम प्राइवेट फील्ड में भी काम करें तो इतनी हमें वहाँ पे भी मिल जाती है। और जैसे काफ़ी सारे हमारे और भी सीनियर्स हैं जिनको 15-15, 20-20 साल हो गए, वो भी वही 12-15-20 हज़ार की सैलरी ले रहे हैं, ना उनको कोई सीनियरिटी मिल रही है ना कुछ और। तो सरकार से हमारा निवेदन है कि भाई हमें जो हमारी मांगे हैं और सारी जायज़ मांगे हैं तो उनको पूरा किया जाए, और अगर हमारी मांगे पूरी की जाएंगी तो हम दोबारा से सरकार BJP की सरकार लाएंगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर वो सरकार पे भी भारी पड़ सकता है, क्योंकि 17-18 जैसे जिलों में हमारी चली हुई है हड़ताल।